हेलो स्टूडेंट्स एंड जय हिंद आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन माय नेम इज़ प्रतीक मिश्रा एंड आज के सेशन में हम लोग हिस्ट्री क्लास ट्वेल्थ कि उसकी दूसरी किताब उसकी जो सिक्स थीम है या फिर जो सिक्स चैप्टर है जिसका नाम है भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशंस उसके ऊपर हम लोग एमसीक्यूज वगैरह सॉल्व करेंगे हम लोग आज के सेशन में ये देखेंगे कि जितना भी हमने भक्ति मूवमेंट एंड सूफी मूवमेंट के बारे में बातचीत करी थी उसकी पूरी की पूरी जो थ्योरी है उसमें से सवाल कितने तरीके के बन सकते हैं किस तरीके के सवाल बन सकते हैं किस तरीके से हमको इन क्वेश्चन को टैकल करना है क्या हमारा लॉजिक रहेगा किस बेंट ऑफ माइंड के साथ में हमको इन क्वेश्चन को करना है आई होप कि ये सेशन वगैरह देखने के बाद में वो बच्चे जिन्होंने पूरे रिलीजियसली सारे लेक्चर्स को फॉलो किया है उनको अपने नॉलेज को अपनी प्रिपरेशन को टेस्ट करने का एक अच्छा मौका मिलेगा और वो अपने आप को समझ पाएंगे कि कितना उनका प्रिपरेशन का लेवल चल रहा है और कितना और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है वो बच्चे जिन्होंने अभी पूरे लेक्चर को नहीं देखा है जितने आपके भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशन के सारे लेक्चर थे वो सारे के सारे लेक्चर नहीं देखे हैं उनके उनके जितने उनको भी एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि उनको अभी कहाँ इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है एंड थर्ड वो बच्चे जिन्होंने बिल्कुल अभी पढ़ाई किसी वजह से शुरू नहीं करी है किसी वजह से अगर ये चैप्टर भक्ति एंड सूफी ट्रडिशन कवर नहीं किया तो उनको भी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी उनको भी एक मोटिवेशन मिल जाएगा उस चैप्टर को करने का एक अंदाजा लग जाएगा कि उस चैप्टर में बेसिकली आपको मिलने के वाला है तो आपने बहुत अच्छी प्रपदेन

सो विदाउट एनी फर्दर डू नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट चलें पहला क्वेश्चन देखते हैं द कंसेप्ट ऑफ सगुण ब्राह्मण वॉज द आउटकम ऑफ विच कंसेप्ट ऑफ भक्ति मूवमेंट भक्ति मूवमेंट के किस कंसेप्ट से ये जो सगुण ब्राह्मण का कंसेप्ट है वो निकल कर आया है पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि सगुण ब्राह्मण का मतलब क्या होता है देखिए भक्ति मूवमेंट में दो तरीके के कंसेप्ट डेवलप हुए थे एक हुआ था सगुण भक्ति और एक हुई थी निर्गुण भक्ति सगुण भक्ति का मतलब यह होता है कि इसमें आप ईश्वर को जिस तरीके से मानना चाहो वैसे मान लो आपको ईश्वर को मनुष्य के फॉर्म में मानना है आप उसको मनुष्य के फॉर्म में मान लो आपको उसको जानवर के फॉर्म में मानना है आप उसे जानवर के फॉर्म में मान लो आपको मनुष्य और जानवर दोनों का कॉम्बिनेशन मानना है आप वैसा मान लो आपको उनको देवी के रूप में मानना है वैसा मान लो बच्चे के रूप में मानना है वैसा मान लो पति मानना है पत्नी मानना है आपको उनको दोस्त मानना है सखा मानना है आपको अपना पिता मानना है माता मानना है जिस तरीके से मानना आप आप ईश्वर ईश्वर को को मान सकते हो आपको टोटल आजादी है आप जिस तरीके से चाहो इमेजिन कर सकते हो तो इसी के नतीजे में निकल कर ये आया कि लोगों ने हजारों तरीकों से जो है ईश्वर के बारे में कल्पना करी और वो जो तैतीस करोड़ देवी देवता और इतने जो सब बातें हैं बेसिकली वो सगुण भक्ति ने आपको जो एक पूरी आजादी दी है कि आपका ईश्वर है जैसे मानना चाहो वैसे मान आपका बनाने वाला है जैसे आप चाहो वैसे मान सकते हो जैसा रिश्ता रखना है वैसा रखो इस कंसेप्ट के बेसिस पर जो ये हजारों देवी देवता निकल कर आए वो भी जो एक है सगुण ब्राह्मण या फिर जो सगुण भक्ति है उसका है उसका इसी का उल्टा एक दूसरा कंसेप्ट भी निकल कर आया था भक्ति मूवमेंट में जिसको निर्गुण ब्राह्मण कहा जाता है निर्गुण ब्राह्मण की कहानी यह है निर्गुण ब्राह्मण में यह होता है कि ईश्वर को आप फॉर्मुलेस कंडीशन में मानते हो आप ये मानते हो कि उनका कोई आकार नहीं है वो निर्विकार है उनका कोई शेप नहीं है साइज नहीं है फॉर्मुलस है और उस फॉर्म में जो है आप उनकी

में भगवान और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा निर्गुण नंबर का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ए अगला देखते हैं second question, where was Saint -Kabir born? संत कबीर का जन्म कहाँ पर हुआ था आसान सवाल है जिन जिन लोगों ने देखा होगा लेक्चर उनको भी पता होगा और ऐसा भी बहुत जनरल सवाल है क्योंकि कबीर के दोहे जनरली सभी पढ़ते हैं तो उसमें कबीर का जीवन परिचय भी आता है तो उसमें बार बार जिक्र आता है कि वाराणसी में या फिर कई बार उसको बनारस भी बोला जाता है वहाँ पर अपने संत कबीर जो हैं उनका जन्म हुआ था फिर बाकी वो कहानी है कि जुलाहे के घर में जन्मे थे काफ़ी वक्त तक जो है आपका नॉर्मल जिंदगी रही उसके बाद में फिर उनको आपका एक गुरु मिले गुरु ने फिर इनको एक रास्ता दिखाया उसके बाद फिर कबीर की जिंदगी बदल गई वो एक लंबी चौड़ी कहानी है मगर जहां पे पैदा हुए तो उसका नाम क्या है उसका नाम है वाराणसी चले अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आइडेंटिफाई द सूफी सेंट यहाँ पर अब एक सूफी संत की आपको तस्वीर दिखाई गई है और आपको इनको आइडेंटिफाई करना है अब ये तस्वीर भी मैं आपको बताता हूँ कहाँ से हम लोगों ने ली है कक्षा बारहवीं की किताब नंबर दो जिसमें हम लोग थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट टू उसका जो सिक्स थीम है या फिर जो सेकंड चैप्टर है जिसमें भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशन लिया है वहां से हमने इन सूफी संत की तस्वीर ली है क्योंकि इनकी ऐस सच, अब जैसे हम लोगों के चेहरे आज को दिखते हैं जैसे, वैसी की वैसी तस्वीरें मौजूद नहीं हैं तो जो आपके जो आपके आर्टिस्ट वगैरह बना के जो पोर्ट्रेट्स वगैरह छोड़ गए उसमें वो सबसे माने हुए पोर्ट्रेट जिनको लगभग सब लोग एक्सेप्ट करते हैं उन्हीं तस्वीरों को लेकर चला जाता है तो कहने को कोई कह सकता है कि ऐसे ही दिखते थे इस बात की क्या गारंटी है जो भी ये संत थे मगर जवाब ये है कि क्योंकि इस पोर्ट्रेट को सर्व मान्यता मिली हुई है लोग मानकर चलते हैं कि इस पोर्ट्रेट का मतलब फलाने फलाने संत है इसलिए इस तस्वीर को इसमें से लिया गया तो आप लोगों ने यह तस्वीर देखनी है और अब आप लोगों ने बताना है कि ये कौन से सूफी संत है जवाब आप इसके जो ऑप्शन हैं वो आपको दिए हुए हैं पहला ऑप्शन जो है वो है अलबरूनी दूसरा है सिलावाते नयनार्स तीसरा है आपका सक्करा और चौथा है निज़ामुद्दीन औलिया अब आपको जवाब देना है इसमें से कौन सा जो है आपका सही ऑप्शन है तो इस ये पर्टिकुलर इसका जो सही जवाब है वो है निजामुद्दीन औलिया जो निजामुद्दीन औलिया हैं उनकी ये तस्वीर है उन ये वो पर्टिकुलर सूफी सेंट है तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो सही जवाब है वो हो गया आपको ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर निजामुद्दीन औलिया अगला हु वॉज द गुरु ऑफ कबीर कबीर के गुरु कौन थे जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कबीर की पूरी कहानी है कि नॉर्मल जिंदगी चल रही थी फिर एक दिन एक संत से मिलते हैं और उनसे मिलने के बाद उनके विचारों में एक बदलाव आता है निर्णायक तौर पर और कबीर जो हैं, फिर संत कबीर हो जाते हैं और काफी सारी जो है चीजों की रचना करते हैं तो वो जो गुरु थे जिन्होंने इनकी जिंदगी पर इतना ज्यादा असर डाला था उनका नाम था रामानंदा जो कबीर के जो गुरु थे उनका नाम क्या था संत रामानंद हालांकि कई सारे हिस्टोरियंस को इसको लेके मतभेद है कि वो रामानंद ही थे या कोई और थे बट फिर भी एक कॉमन आपका एक्सेप्टेड फैक्ट है कि कबीर के जो गुरु हैं या जिन्होंने दीक्षा दी थी वो रामानंद साहब थे तो फोर्थ का जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अगला देखते हैं द सूफी सेंट कंटेम्प्ररी ऑफ पृथ्वीराज चौहान बॉस वो कौन से सूफी संत हैं जो हमारे हमारे जो राजा रहे हैं पृथ्वीराज चौहान इनके समकालीन थे कंटेम्प्ररी का मतलब होता है समकालीन कि एक ही कालखंड में या एक ही वक्त में जब दो लोग जिंदा होते हैं तो उनको समकालीन कहा जाता है जैसे आज की तारीख में नरेंद्र मोदी हैं और डोनाल्ड ट्रंप हैं तो ये दोनों कंटेम्प्ररी हैं क्योंकि ये एक ही कालखंड में एग्जिस्ट करते हैं तो एक ही कालखंड में इसका यह मतलब नहीं है कि दोनों साथ में रहते हैं या दोनों का रोज का मिलना है या फिर ये दोनों कभी मिले भी हों ये भी जरूरी

ये जो है आपके पृथ्वीराज चौहान साहब जो हमारे रूलर रहे हैं इनके कंटेप्ररी थे तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का सही जवाब क्या हो जाएगा ख्वाजा मु, मुनीउद्दीन चिश्ती जिनको गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है तो गरीब नवाज बोलते हैं मुनिउद्दीन चिश्ती बोलते हैं एक ही बात पड़ती है अगला देख लेते हैं अच्छा एक चीज और की यहाँ चिश्ती से एक जिन लोगों को बिल्कुल अंदाजा नहीं है जिन्होंने चैप्टर नहीं पढ़ा उनके लिए बता रहा हूँ कि जो चिश्ती शब्द है वो बना है चिश्त से चिश्त एक जगह पड़ती है अफगानिस्तान में वहां से आपका चिश्ती शब्द निकल कर आया है सूफी संत वगैरह जो थे उनके सिलसिलों के नाम या, स, या सूफी संतों के जो आपके पूरी की पूरी लीनियज थी उनके नाम जनरली या तो उन सूफी संतों के नाम पर पढ़ते थे जो अपने सिलसिले या अपनी लीनियजेस चालू करते थे या फिर उन जगहों के नाम पर पढ़ते थे जहाँ पर वो लीनियज या सिलसिला चालू रहता था तो ये जो चिश्ती सिलसिला है जो जो चालू हुआ हुआ है है वो अफगानिस्तान के चिश्त चिश्त में हुआ था तो उसके नाम नाम पर चिश्ती सिलसिले का पड़ गया अगला पढ़ते हैं Which of the following statement is correct definition of अभी मैंने आपको पहले क्वेश्चन में निर्गुण और सगुण की बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन जवाब आप लोगों से बनना चाहिए कि भाई निर्गुण और, कि जो है, वो क्या पहला इट इज द कंसेप्ट ऑफ अ फॉर्मलेस गॉड ये एक ऐसे ईश्वर का कंसेप्ट है जिसका कोई आकार नहीं है दूसरा इट इज द ऑफ अ फॉर्मलेस गुरु ये एक ऐसे गुरु का कंसेप्ट है जिसका कोई आकार नहीं है तीसरा इट इज द ऑफ स्पिरिचुअलिटी ये आध्यात्मिकता का कोई एक कंसेप्ट है और नन ऑफ द अबो तो हम लोगों ने क्योंकि सगुण और निर्गुण के कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ा है और हमसे बोला गया निर्गुण निर्गुण का मतलब क्या है जिसका कोई अपना आकार नहीं है और सगुण का मतलब क्या है जिसमें हमने ईश्वर को कुछ एक सर्टेन तरीके का आकार दे रखा है तो निर्गुण इज अ फॉर्म ऑफ अ इज अ कंसेप्ट

अब इसके अपने को चार ऑप्शन दिए गए अपने को ये बताना है कि इनमें से कौन सी है अजमेर शरीफ दूसरा है निजामुद्दीन औलिया दरगाह तीसरी है दातागंज दरगाह और चौथी है पीर हादी हसन दरगाह इसका जवाब है अजमेर शरीफ कई लोग उसको शरीफ भी लिखते हैं कई लोग उसको शरीफ भी लिखते हैं जैसा भी आप लिखना चाहें मैटर अजमेर शरीफ इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर सेवन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अगला देखते हैं Who among the following bhakti saint was responsible for founding many Punya Kshetra along the length and breadth of India by taming avatars of Parvati and imprisoning her essence in Sri Chakras? इनमें से कौन से जो है भक्ति संत इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं कि उन्होंने बहुत सारे पुण्य क्षेत्र जो है उनकी स्थापना की थी और लॉन्ग द लेंथ एंड ग्रेट ऑफ इंडिया पूरे हिंदुस्तान में ऊपर से लेके नीचे तक और नॉर्थ से लेकर वेस्ट ईस्ट से लेके वेस्ट तक में आपने भक, आ, ये पुण्य क्षेत्रों की स्थापना की थी और उनमें आपने ये बोला था कि भगवान पार, पार्वती के जो है अवतार जो है वो आपके विराजते हैं टेमिंग और, और यहाँ पे श्री चक्र वगैरह का कंसेप्ट देखे आपने ये बोला था कि इसमें माँ पार्वती का वास है या शक्ति का वास है या सती का जो है वो माना गया था कि यहां पे इनका ये टुकड़ा गिरा था शरीर का या फिर ये टुकड़ा गिरा था और कई जगह पर उसके साथ में फिर माँ पार्वती को भी जोड़ा गया था अब अपने को यह बताना है कि ये सारे जो पुण्य क्षेत्र है इनकी स्थापना एक्चुअल में किसने की थी इसका जवाब हो जाएगा शंकराचार्य साहब जो थे उन्होंने इसकी स्थापना की थी आदि शंकराचार्य जो थे उन्होंने ने इसकी स्थापना की थी उन्होंने और भी बहुत सारे काम किए थे आगे उनके भी ऊपर एमसीक्यूज वगैरह आएंगे मगर शंकराचार्य ने ये पुण्य क्षेत्र वगैरह की स्थापना की थी तो सही जवाब क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर एट का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अगला देखते हैं व्हिच भक्ति सेंट डिड नॉट बिलीव इन द क्वालिफाइड मोनिज्म ऑफ रामानुजम एंड एमफेसाइज द डॉक्ट्राइन ऑफ डुअलिटी बेस्ड मेनली ऑन द भागवत पुराण अब अपने को यह बताना है कि कौन से भक्ति संत जो थे क्वालिफाइड मोनिज्म जो था का उसमें बिलीव नहीं करते थे मोनिज्म का मतलब होता है एकात्मवाद यानी कि एक ईश्वर जो है वो एक ही तरीके का है उसका कोई फॉर्म नहीं है और उसको फिर आपने एक तरीके से पूजना है तो एक तरीके से आप ईश्वर का कोई निर्विकार मान के उसको एक तरीके की पूजा पद्धति देना उसको बोला जाता है क्वालिफाइड मोनिज्म रामानुजम साहब जो थे इन्होंने शुरू किया था और तो कौन से वो भक्ति संत थे जिन्होंने ये मोनिज्म के को मानने से मना कर दिया बोला कि रामानुजम साहब का जो कंसेप्ट है मैं इसको नहीं मानता

फॉलोइ भक्ति से फिर से एक और बार जिक्रता है कि ईश्वर जो है उसको एकात्मवाद में आपको पढ़ना है वो निर्विकार है और वो सारी चीजें हैं मगर यहां पर ये जो मोनिज्म का कंसेप्ट है उसको अद्वैत बोला गया है अद्वैत की डॉक्टराइन में कुछ चीजें जो है वो मैच करती थी इसके पहले जो हम लोगों ने बात करी अभी इसके पहले जो ये जिक्र आया रामोनिज्म जो है उन्होंने मोनिज्म का एक कंसेप्ट दिया था इनका ये जो मोनिज्म का कंसेप्ट था वो अलग था और इनके बाद में एक और मोनिज्म का कंसेप्ट आया था जिसको अद्वैत बोला जाता था इसकी डॉक्ट्राइन थोड़ी सी अलग थी सवाल ये पूछा गया है कि ये जो आ, कौन से भक्ति संत थे जिन्होंने हिंदुइज्म को एक नई दिशा दी अद्वैत का डॉक्ट्राइन देकर अद्वैत का डॉक्ट्राइन कौन लेकर आए थे इसका जवाब हो जाएगा आदि शंकराचार्य आदि शंकराचार्य जो है अद्वैत का डॉक्ट्राइन लेकर आए थे इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा इनके हिंदू धर्म आज की तारीख में जिस तरीके का है उसको इसकी पुनर्स्थापना उस फॉर्म में करने के लिए आदि शंकराचार्य को बहुत बड़ा जो है क्रेडिट दिया जाता है जो अलग अलग जगहों पर आपको जो ज्योतिर्लिंग देखने के लिए मिलते हैं जो आपके चार जो शंकराचार्य वगैरह है और चार जो आपके शक्तिपीठ वगैरह ये जो आपके चार मेन आपके जो ये शंकराचार्यों के अखाड़े वगैरह हैं ये सबकी जो स्थापना वगैरह है आदि शंकराचार्य ने की थी इंपॉर्टेंट है इसको याद रखिएगा चलें चलें अगला देखते हैं हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते नंबर श्री रामानुजा आचार्य वाज एन इंडियन फिलोसफर एंड इज रिकोगनाइज एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट ऑफ तो अपने को इसमें यह पूछा है कि एक इंडियन फिलोसफर हुए हैं जिनका नाम क्या है जिनका नाम है श्री रामानुजा आचार्य ये रिकॉग्नाइज किए गए हैं एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट ऑफ इनको एक बहुत इंपॉर्टेंट संत के तौर पर माना जाता है इन चार में से किस पंत का तो इसका अब हम लोगों को जवाब देना है श्री रामानुजाचार्य अच्छा इतना तो क्लियर है यहाँ से कि श्री रामानु रामानुजा आचार्य जो हैं वो सिखिज्म के जो हैं वो आपके आ, नहीं हो सकते हैं सिखिज़्म के तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो दसों गुरुओं के बारे में हम लोग जानते हैं उनमें रामानुजा आचार्य का नाम कहीं पर नहीं आता अब बचते हैं आपके पास में तीन श्री वैष्णविज्म नयनार्स एंड निर्गुणा इसका जो एक्चुअल जवाब है वो बनता है आपका श्री वैष्णविज्म ये जो रामानुजा आचार्य हैं ये श्री वैष्णविज्म के बहुत इंपॉर्टेंट संत माने गए इन्होंने वैष्णविज्म वैष्णविज्म के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट काम किया है और इनके कॉन्ट्रीब्यूशन जो हैं आज तक उसके कारण वैष्णविज्म एज अ सेक्ट या फिर आप एज़ ए कल्ट की बात कर लो तो वो काफी ज्यादा फेमस उसमें काफी इनरिचमेंट है श्री दा, श्री रामानुजा आचार्य के कारण तो क्वेश्चन नंबर इलेवन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दैट इज श्री वैष्णविज्म चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं विच भक्ति सेंट प्रीस्ट द कंसेप्ट ऑफ विशिष्ट विशिष्ट अद्वैता ये अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया है कि कौन सा जो भक्ति संत है उसने ये प्रीच किया प्रीश किया अप्रीच था विशिष्ट अद्वैता का अद्वैत का का अद्वैत जो सिद्धांत है वो आपके शंकर का दिया हुआ है या फिर जो आपके आदि शंकराचार्य उन्होंने अद्वैत का सिद्धांत दिया था मगर उसके बाद में फिर उसके कई सारे तरीके के जो हैं वो बना बनाकर कई लोगों ने अपने अपने हिसाब से प्रीच किए थे क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि कौन से संत हुए हैं जिन्होंने श्री अद्वैत का जो कंसेप्ट है उसको या फिर विशिष्ट अद्वैत का जो कंसेप्ट है उसको प्रीच किया था तो इसका जवाब क्या हो जाएगा इसका जवाब है रामानुजा रामानुजा जो हैं उन्होंने विशिष्ट अद्वैत का जो कंसेप्ट है उसको प्रीच किया था था इसी तरीके से श्री अद्वैत का एक है, उसको किसी और ने प्रीच किया था और इसी तरीके से और अलग अलग कंसेप्ट हैं तो सबके अपने अपने संत निकल कर आते हैं शंकर जो हैं या फिर आदि शंकरा जो हैं उन्होंने अद्वैत का सिद्धांत दिया था और उसके बाद में फिर उसको कई लोगों ने आगे बढ़ाया अपनी अपनी फिलोसफीज उसमें दी हैं तो श्री अद्वैत हो गया या विशिष्ट अद्वैत हो गया विशिष्ट अद्वैत का जो सिद्धांत है इस क्वेश्चन का आंसर के लिए ने किया था और इसी तरह से और दूसरे तरीके के अद्वैत है उनको अलग अलग लोगों ने आगे बढ़ाया था क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व का सही जवाब क्या हो गया क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व का सही जवाब हो गया बी अगला hmm. देखना द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट ऑफ द भक्ति मूवमेंट इन महाराष्ट्र हु वॉज बॉर्न एट सतारा एंड इज सेट टू हैव डाइड इन पंजाब बॉस ये एक अच्छा सवाल है कि भक्ति मूवमेंट महाराष्ट्र में जो चला है उसके सबसे इंपॉर्टेंट संतों में से एक संत माने गए हैं उनका जन्म ऐसा कहते हैं कि सतारा में हुआ था उनका जो जन्म है वो सतारा महाराष्ट्र में हुआ था और उनकी मृत्यु जो है वो पंजाब में हुई है उनका हमको नाम बताना है इनका नाम याद रखिएगा इनका नाम है नामदेव या नामदेवा आज तक इनके फॉलोअर्स जो हैं वो अपने सरनेम की जगह पे नामदेव वर्ड का इस्तेमाल करते हैं बेसिकली ये एक इंडिकेशन है कि हम नामदेव जो आपके संत हुए हैं उनके फॉलोअर्स हैं भक्ति मूवमेंट के पहले हो सकता है उनका सरनेम कुछ और रहा हो मगर महाराष्ट्र में जब नामदेव संत का जन्म होता है और उसके बाद जब ये पूरा अपनी एक अलग जलाते हैं अपना एक पूरा का पूरा मूवमेंट आगे लेकर चलते हैं लोग उनके साथ जुड़ते हैं और आज तक आपको इनके इस सरनेम के लोग मिल जाएंगे बेसिकली वो नामदेव संत के फॉलोअर्स हैं किसी ना किसी ज़माने में उनके एनसिस्टर्स वगैरह रहे होंगे तो उन्होंने फिर उनका नाम जो है अपने नाम के साथ में जोड़ लिया और सरनेम के तौर पर नामदेव सरनेम को इस्तेमाल करने लगे तो क्वेश्चन नंबर 13 कि वो संत जो सतारा में पैदा हुए थे और पंजाब में जिनकी वृत्ति हुई है और जो आपके सबसे इंपॉर्टेंट संत माने गए हैं भक्ति मूवमेंट के महाराष्ट्र में उनका नाम है संत नामदेव चलिए आगे बढ़ते हैं द पंडरपुर मूवमेंट इज एसोसिएटेड विद द भक्ति मूवमेंट ऑफ अब पंडरपुर मूवमेंट जो है वो भक्ति मूवमेंट में किस राज्य से एसोसिएटेड है अच्छा सवाल है अभी रिसेंट में ये न्यूज में भी था मोदी जी ने पंडरपुर में कुछ योजनाओं को इनोग्रेशन किया था तो इस कारण से यह न्यूज में चल रहा था शायद ये सवाल आ भी जाए अच्छा सवाल है तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो पंडरपुर मूवमेंट है ये भक्ति मूवमेंट में ये भक्ति मूवमेंट का ये मूवमेंट कौन से राज्य में शुरू हुआ था इसका जवाब है महाराष्ट्र में महाराष्ट्र में एक जगह पड़ती है पंडरपुर वहां पे जो है ये पूरा का पूरा मूवमेंट शुरू हुआ था और शायद भगवान विठल की जो है वहां पर पूजा वगैरह की जाती है विठल जो है भगवान विष्णु के अवतार हैं चले तो क्वेश्चन नंबर का सही जवाब हो जाएगा बी अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर बोलता है हु रोट अ कॉमेंट्री ऑन द ब्रह्म सूत्रास हुट्री ऑन द ब्रह्म सूत्रास रिफ्यूटेड श्री कारा एंड ऑफर्ड एन इंटरप्रिटेशन बेस्ड ऑन दिस्टिक आइडियाज किसने जो है ब्रह्म सूत्रों के ऊपर एक कमेंट्री लिखी थी और एक संत हुआ करते थे शारी कारा इनको रिफ्यूट किया था और इंटरप्रिटेशन ऑर्डर ऑफर किया था ऑन द थीस्टिक बेसिस थीस्टिक बेसिस यानी कि आपने एक तर्क को दूसरे तर्क से जैसे काटते हुए एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन आप किसी चीज का देते हैं उसके लिए थीस्टिक वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है तो किसने जो है ब्रह्म सूत्रों के आ, के ऊपर एक कमेंट्री लिखकर श्रीकारा के द्वारा दी गई जो भी आपके इंटरप्रिटेशन थे ब्रह्मसूत्रों के उनको आपने डिस्कार्ड कर दिया था उसका हमको नाम बताना है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा इसका सही जवाब है वी रामानुजा याद रखिएगा रामानु अब कई सारे संत हैं जिनके नाम बार बार रिपीट होंगे अलग अलग फेनोमन्स में तो एक संत ने कोई एक काम कर दिया हो इतना ही नहीं था उन्होंने कई सारे काम किए थे तो भक्ति मूवमेंट में ऐसे कई सारे संतों का नाम आता है जो जिन्होंने अलग अलग काम किए थे और उनके ऊपर फिर इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं रामानुजा का नाम इसके पहले भी आया था किसी और पर्टिकुलर क्वेश्चन में यहाँ पर इनका नाम किसी और पर्टिकुलर क्वेश्चन में आ रहा है याद रखना है श्रीकारा के नाम से एक आपके संत हुए थे उन्होंने ब्रह्म सूत्रों के ऊपर अपना एक एक्सप्लेनेशन दिया था रामानुजा ने क्या किया ब्रह्मसूत्रों के ऊपर एक दूसरा एक्सप्लेनेशन देके उसके खिलाफ एक अपना एक इंटरप्रिटेशन रख दिया और उन्होंने बोला कि भाई आप यहाँ यहाँ मैंने आपको नहीं मानता मैं आपको रिफ्यूट करता हूँ मैं अपना एक एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही जवाब है वो हो जाएगा बी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंसली इमोशनल फॉर्म ऑफ हिंदुइज्म दैट फ्लरिश्ड फ्रॉम सिक्सटीन सेंचुरी मेनली इन बंगाल एंड ईस्टर्न उड़ीसा बंगाल और पूर्वी उड़ीसा के इलाकों में एक बहुत इंटेंस इमोशनल फॉर्म था हिंदुइज्म का जो फ्लरिश किया था हमको उसका नाम बताना है इंटेंस इमोशनल का मतलब यह है कि आप अपने आप को पूरी तरीके से जो भी आपके इष्ट देवता हैं या जिनकी भी आप भक्ति कर रहे हैं उनकी भक्ति में आप पूरी तरीके से अपने आप को लीन कर देंगे आप अपने आप को टोटली डिवोट कर देंगे बिल्कुल आप अपने आप को जो है आ, उस एकदम आप मतलब ए, पूरी तरीके से समर्पित कर देना जिसे कहते हैं उस लेवल तक जो है आप अपने आप को लगा देंगे भगवान की भक्ति कर रहे हैं या फिर उनका नाम जप रहे हैं एकदम टोटली सब कुछ रेनाउंस करके पूरी तरह से आप लग गए हैं तो ये जो है बहुत इंटेंस इमोशनल फॉर्म हो जाता है किसी भी तरीके के डिवोशन का तो इसी में अब हमको ये बताना है कि इतने ज़्यादा इंटेंस इमोशनल फॉर्म ऑफ हिंदुज़म जो आपको सिक्सटीन सेंचुरी से फ्लरिश करता हुआ बंगाल और ईस्टर्न उड़ीसा के इलाकों में मिलता है उसका नाम क्या है तो याद रखिएगा इसका नाम है गौड़िया संप्रदाय ये बहुत ज्यादा जो है आपका भक्ति में लिंक हो जाते हैं बहुत ज्यादा इमोशनल तरीके से जो है कृष्ण भक्ति वगैरह ये लोग करते हैं चले इसका सही जवाब हो जाएगा ए सिक्सटीन का आंसर क्या है गौड़िया संप्रदाय ये कहाँ पे देखने को मिलता है बंगाल और पूर्वी उड़ीसा में क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इनके या फिर क्या इनके क्या, इनके, क्या फीचर्स हैं इनके, इनके इनके फीचर्स हैं कि ये बहुत इंटेंस फॉर्म जो है वो भक्ति का करते हैं सिक्सटीन सेंचुरी से ये फ्लरिश किए हैं जनरली ये मेनली कृष्ण भक्ति वगैरह में जो है अपने आप को डिवोट करते हैं अगला देखते हैं क्वेश्चन है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग प्रोपिगेटेड अद्वैत और ड्यूलिज्म ऑफ जीवात्मा एंड परमात्मा इन कनाड़ा रीजन अब हमको ये बताना है कि ये जो अद्वैत या फिर ड्युअलिज्म का कंसेप्ट है कि एक आपका परमात्मा होता है और एक आपकी जीवात्मा होती है और फिर जीवात्मा को कुछ पर्टिकुलर चीजें करनी होती हैं ताकि वो परमात्मा के साथ जाके मिल जाए ये पूरा का पूरा जो है ड्युअलिटी का कंसेप्ट है इस को हम लोग हिंदी में या फिर इसको संस्कृत में बोला जाता है अद्वैत तो कन्नड़ क्षेत्र में या कर्नाटक के जो रीजन है वहां पर ये जो अद्वैत या फिर ये जो ड्यूलिज्म का कंसेप्ट है जिसमें एक जीवात्मा है जिसको परमात्मा से मिलना है परमात्मा से मिलने की जो फिर प्रक्रिया वगैरह है इन सारी चीजों का कंसेप्ट कन्नड़ रीजन में या कर्नाटक क्षेत्र में इनमें से किसने जो है प्रोपोगेट किया था तो इसका जवाब हो जाएगा माधव ने इसको प्रोपोगेट किया था माधव इस क्षेत्र के काफी फेमस जो है संत रहे हैं भक्ति मूवमेंट के तो इसका सही जवाब जो है सेवनटींथ का वो हो जाएगा डी चले आगे बढ़ते हैं Who was the writer of Rukmani Swayamvar Hast Malak, which was uh, uh, comprised 764 OVs and based on a 14 shlok Sanskrit hymn with the same name by Shankaracharya? तो अपने को इसमें यह बताना है कि रुक्मणी स्वयंवर हस्तमलक करके जो किताब है इसके writer कौन है तो इसके options आपको दिए हुए हैं राम रामानंदा दूसरा है एक नाथ तीसरी है मीराबाई और चौथा है तुकाराम इसका सही जवाब क्या बन जाएगा इसका सही जवाब है एक नाथ इसको अपने को याद रखना पड़ेगा ये किताब काफी फेमस है इसके ऊपर सवाल वगैरह आते रहते हैं क्या नाम है रुक्मणी हस्त हस्तमलक ये किताब किसने लिखी है जवाब क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर एटीन का इसका जवाब हो जाएगा एक ने चले अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर नाइनटीन हु अमोंग द फॉलोइंग रिफॉर्मर एंड फर फ्रॉम रामानंदी संप्रदाय लीनियज ऑफ जगत गुरु रामानंदाचार्य रिनोट फॉर इज डिवोशन टू लॉर्ड श्री रामा थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है एकदम से समझ में भी नहीं आएगा पहले उसको फिर से पढ़ के इसको तोड़ते हैं उसके बाद इसका जवाब देंगे हु अमॉंग द फॉलोइंग वॉज द रिफॉर्मर इनमें से कौन जो है वो रिफॉर्मर और फिलॉसफर था जो रामानंदी संप्रदाय से आता था रामानंदी संप्रदाय जो है वो जगत गुरु रामानंदाचार्य के द्वारा शुरू किए गए आपका जो भी उनके फॉलोअर्स वगैरह की लीनियज थी उसका एक हिस्सा था और ये जो रामानंदाचार्य संप्रदाय है जिसका हिस्सा जो ये रामानंदी संप्रदाय था ये जनरली जाना जाता था भगवान श्री राम के प्रति अपनी भक्ति के लिए तो इनमें से कौन जो है इस रामानंदी संप्रदाय का पार्ट था अब हमको ये बताना है या फिर हमको इसका जवाब देना है एक बार फिर से मैं बता देता हूँ क्वेश्चन पूरा का पूरा कि इनमें से कौन सा जो संप्रदाय है इनमें से कौन जो है वो रामानंदी संप्रदाय का हिस्सा है जो एक लीनियज है जगत गुरु रामानंदाचार्य की जो जाने जाते हैं अपनी भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री राम की भक्ति के लिए या फिर ये जो संप्रदाय है ये भी जाना जाता है भगवान श्री राम की भक्ति के लिए इसका जवाब है तुलसीदास तुलसीदास के बारे में ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत है नहीं रामचंद्र रामचरित्र मानस जो आज भी चलती है तुलसीदास की लिखी गई किताब है और इन्होंने अपने आप को भगवान आ, राम की भक्ति में पूरी तरीके से जो है लीन कर दिया था तो उसके बाद में फिर काफी कुछ रचनाएं इन्होंने करी हैं तुलसीदास ने एंड उसमें जो सबसे प्रोमिनेंट रचना जो आज भी इस्तेमाल होती है पढ़ी जाती है एक धर्म ग्रंथ के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम है रामचरित्र मानस अगला क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग भक्ति सेक्ट फाउंडेड बाय बीर भान एंड द रिलीजियस ग्रंथ इज रिवर्ड लाइक अ ग्रंथ ऑफ सिख सिख तो इस आ, क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि एक भक्ति सेक्ट है जिसको फाइंड किया था बीरभान ने बीरभान करके एक संत हुए थे उन्होंने एक पर्टिकुलर भक्ति संप्रदाय को फाइंड को किया था उसकी स्थापना की थी अब उसका जो धर्म ग्रंथ है उसका जो रिलीजियस ग्रंथ है उसको उसी तरीके से श्रद्धा दी जाती है जिस तरीके से सिख जो है वो अपने धर्म ग्रंथ को देते हैं जैसे जो गुरु ग्रंथ साहिब है उनको लिविंग गुरु गुरु माना जाता है तो उसी तरीके से बीरभान साहब जो थे इन्होंने भी अपना एक संप्रदाय शुरू किया था और उसमें उनकी जो किताब है

सतनामीज़ इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ये भी याद रखना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी का सही जवाब जो है वो है सतनामीज़ चले अगला देखते हैं चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन फॉलोइंग प्रोपगेटेड द्वैत अद्वैत और ड्वेलिज्म ऑफ जीवात्मा एंड परमात्मा तो हम लोगों ने जैसा कि पहले भी देखा था अद्वैत के अलग अलग जो हैं कंसेप्ट वगैरह बना बना के लोग अपने अपने हिसाब से प्रोपोगेट कर रहे थे तो इसके पहले भी इस तरीके का एक अद्वैत आया था अब यहाँ पर एक और नए तरीके के अद्वैत की के बात हो गई है इस बार इसका नाम क्या पड़ गया इसका नाम पड़ गया द्वैत अद्वैत तो द्वैत अद्वैत जो जो है इसमें भी बात वही की गई है आत्मा और परमात्मा जो है या जो जीवात्मा और परमात्मा है उनके डुअलिज्म की बात की गई है कि आत्मा को या जीवात्मा को क्या करना चाहिए कि वो परमात्मा के साथ जुड़ सके मगर थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत जो है चेंजेस वगैरह अपनी अपनी फिलासफी में सब ने किया है तो यहाँ पर उसका नाम उन्होंने रख दिया द्वैत अद्वैत अब पूछा यह गया है कि जो द्वैत अद्वैत के नाम से ये जो ड्यूलिटी का कंसेप्ट है वो किसने जो है प्रोपोगेट किया था इसका सही जवाब क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा निम्बारका या इनको कई बार निम्बालकर भी बोल देते हैं निंबारका जनरली जो है इंग्लिश में लिखा जाता है तो निम्बारका जो है इन्होंने द्वैत अद्वैत का जो कंसेप्ट है उसको प्रोबोगेट किया था नेक्स्ट क्वेश्चन The based on the तो पर आपको एक फोटोग्राफ दी हुई है और आपको इस फोटोग्राफ को देख, कर या इस को देख कर आपको को करना है। बेसिकली एक संत है अब एक्सैक्टली exactly जिस तरीके की हम लोग आज फोटोग्राफ्स खींचते हैं उस तरीके की फोटोज तो खैर उस कालखंड की नहीं मिलती मगर इनकी फिर जो पिक्चर्स वगैरह पेंट की जाती थी और सबसे ज्यादा जो माना हुआ जो वर्जन है कि ये जो फोटोग्राफ में व्यक्ति दिख रहा है फलाना फलाना ही व्यक्ति है तो उनकी जो मानस फोटोग्राफ्स या जो मानस पिक्चर्स हैं जो पेंट की गई हैं उनके बेसिस पर हम लोग उनकी आइडेंटिटी वगैरह का जो है अंदाज़ा लगाते हैं तो एग्जैक्टली exactly तो खैर आपको जैसे आज की सेल्फ़ी की फ़ोटोग्राफ्स हैं या जो है आज की जो कैमराज वगैरह से ली जाती हैं जैसकी तस्त तो नहीं मिलेंगी मगर मानी हुई फोटोग्राफ्स वगैरह में के बेसिस पर हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं तो ये फोटोग्राफ आपको जो मानी हुई फोटोग्राफ्स हैं उनमें से एक वर्जन दिया गया है अब आपको इसको देख के बताना है कि ये कौन से संत है बड़े फेमस संत हैं इनके एक एग्जाम एक, एक मैं आपको एक इसका छोटा सा हिंट देता हूँ कि इनके जो भजन हैं वो गांधी जो थे आपके एम के गांधी साहब उनको काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर किए हैं और उन्होंने इन इनके काफ़ी सारे भजनों को खूब जो है अपनी गाया है और काफ़ी वो इनको पसंद करते थे तो देख लें आप इसको इनकी जो फोटोग्राफ है आप देख लीजिए आप बताएं और इसके ऑप्शंस वगैरह जो दिए हुए हैं वो मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ रामानंदा वल्लभाचार्य नारसी मेहता एंड चैतन्य इनमें से कौन सा जो है इसका जवाब हो सकता है इसका जो सही आंसर है वो है नारसी मेहता ट्वेंटी सेकेंड का सही आंसर जो है नारसी मेहता ये जो फोटोग्राफ आपको देखने को मिल रहा है या ये जो बनाया हुआ तस्वीर है ये सबसे ज्यादा मानस मानक वर्जन है नारसी मेहता साहब का एम के गांधी जो हमारे हुए हैं प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर उनका उन्होंने इनके भजनों से काफी ज्यादा जो इंस्पिरेशन लिया वो काफी भजन पसंद करते थे इनके अगला देखता है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग भक्ति सेंट इम्फेसाइज द एसेंशियल वननेस ऑफ ऑल रिलीजन बाय डिस्क्राइबिंग हिंदूज एंड मुस्लिम एज वन पार्ट ऑफ द सेम क्ले अब इनमें से कौन से भक्ति संत ने इस बात के ऊपर इम्फेसिस किया है कि सारे रिलीजन जो हैं वो बेसिकली एक ही रास्ते पर लेकर जाते हैं या फिर उसमें वननेस का जो है पार्ट बताया गया है इसका सही जवाब हो जाएगा कबीर कबीर ने जो आपके प्रोमिनेंट रिलीजनस हैं नॉर्थ में कम से कम वहां इनके वननेस के ऊपर काफी इंफोसिस वगैरह किया है तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री का जो सही जवाब है वो हो जाएगा ए कबीर चलिए चलें अगला देखते हैं स फॉल्सूड एंड हिपोक्रेसी एंड टू लीड अ लाइफ ऑफ ट्रूथ हॉनेस्टी एंड काइंडनेस तो कौन इनमें से जो था जिसने लोगों से बोला कि अपनी सेल्फिशनेस अपनी फॉल्सहूड और हिपोक्रेसी जो है उसको गिव अप कर दो और सच के ऊपर हॉनेस्टी के ऊपर और काइंडनेस के ऊपर जो है अपनी जिंदगी को जियो इसका जवाब हो जाएगा गुरु नानक गुरु नानक ने इस बात को इन्फोसिस करके बोला था कि अब सिंपल लिविंग रखिए लोगों के साथ में बांटिए चीजें जो भी हैं चैरिटी करिए है, एक आपकी सिंपल जिंदगी जी जिया करिए फॉल्सूड हेपोक्रेसी और सेल्फिशनेस वगैरह गिव अप कर दीजिए क्वेश्चन ट्वेंटी फोर का सही जवाब हो जाएगा बी गुरु नानक अगला देखते हैं हु रोट अ कॉमेंट्री ऑफ भगवद गीता कॉल ज्ञानेश्वरी ज्ञानेश्वरी के नाम से भगवदी गीता के ऊपर इनमें से किसने कॉमेंट्री एक लिखी है इसका जवाब हो जाएगा ज्ञान देवा ने जो है ज्ञान देवा ने इसके ऊपर एक कमेंट्री लिखी थी जिसका नाम ज्ञानेश्वरी पड़ा है चलें जी इसका फिर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फिफ्थ का सही जवाब क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फिफ्थ का सही जवाब जो है वो हो जाएगा ए ज्ञान देवा इनके द्वारा लिखी गई जो भगवद गीता की कॉमेंट्री है उसको ज्ञानेश्वरी कहा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी द भक्ति कल्ट स्प्रेड इन महाराष्ट्र विद द टीचिंग्स ऑफ तो ये जो भक्ति मूवमेंट है पूरा का पूरा महाराष्ट्र में किसकी टीचिंग्स के साथ में स्प्रेड हुआ अब हमको ये बताना है इसमें जो प्रोमिनेंट नाम आता है वो आता है संत तुकार का संत तुकार ने अपने भजनों से अपने प्रवचनों से भक्ति मूवमेंट को काफी बड़े लेवल पर जो है महाराष्ट्र में फैलाने में मदद की थी तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स का वो हो जाएगा संत तुकार इनकी जो कर्म थे या इनके जो एफर्ट्स वगैरह थे उसके कारण भक्ति मूवमेंट बहुत बड़े लेवल पर जो है महाराष्ट्र में फैला था चले अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन हु वेदांत परिजाता सौरभा किसने वेदांत परिजात सौरभ करके कमेंट्री लिखी थी ब्रह्म सूत्र के ऊपर इन द सिंपल लैंग्वेज क्वेश्चन फिर से पढ़ देता हूं हु हु रोट रोट वेदांत परिजात सौरभ अ कमेंट्री ऑन द इन सिंपल लैंग्वेज इनमें से किसने वेदांत परिजात सौरभ के नाम से एक किताब लिखी है जो बेसिकली ब्रह्मसूत्र के ऊपर एक कॉमेंट्री है मगर सिंपल लैंग्वेज में है इसमें कॉम्प्लेक्स भाषा का या कॉम्प्लेक्स शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया ताकि आम जनमानस को जो है अच्छे से समझ में आ जाए तो इस सवाल का जवाब जो है वो है

आपके तुकाराम जो थे संत तुकाराम ये भक्ति मूवमेंट के काफी प्रोमिनेंट संत हैं और ये शिवाजी के कंटेम्प्ररी थे तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको याद रखिएगा कि कौन से संत जो थे भक्ति मूवमेंट में जो शिवाजी के कंटेम्प्ररी थे महाराष्ट्र में संत चल चले नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विष्णु भक्ता विष्णु भक्त जो संत थे उनको किस नाम से जाना जाता था नैनार्स वीर शैवा अलवर या जिम्मी तो ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ रखी है कि सिक्स सेंचुरी कॉमन एरा के आसपास तमिलनाडु में भक्ति मूवमेंट शुरू हुआ था उसमें दो तरीके के संत आपको देखने के लिए मिले थे आ, दो तरीके के संत आपको देखने के लिए मिले थे जिनमें से एक का जो नाम है वो है अलवर और दूसरे जो हैं वो आपके हुए थे नैनार्स अलवर्स जो थे ये भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहते थे और नैनार जो थे भगवान शिव की भक्ति में लीन रहने वाले संतों को बोला गया है तो अलवर्स एंड नैनार जो है आपका अलवर्स वैष्णविज्म का एक आ, की तरफ इंक्लाइंड थे या वैष्णविज्म में इन्वॉल्व थे और नैनार जो थे वो शैविज्म की तरफ इन्वॉल्व थे और इन दोनों के कारण जो है तमिलनाडु में पूरा का पूरा भक्ति मूवमेंट बहुत बड़े लेवल पर फ्लरिश हुआ है भगवान विष्णु की और भगवान शिव की दोनों की पूजा जो है वो पैरेलल जो है उनका अपने अपने बहुत बड़े बड़े फॉलोअर्स वगैरह बने और उनकी जो है काफी ज्यादा बड़ी कल्ट फॉलोइंग अपनी डेवलप हुई चले तो विष्णु भक्त वर नोन एज इनका जवाब हो जाएगा सी अलवर अगला देखता है अलवर सेंट्स वर्शिप इसी को उल्टा करके पूछ लिया कि अब विष्णु भक्त संत का नाम क्या है अलवर है और, और इसी को अगर घुमा के पूछें तो एक और सवाल बन जाता है कि अलवर जो संत थे या अलवर जो थे वो किसकी पूजा करते थे वो करते थे विष्णु की पूजा तो क्वेश्चन नंबर थर्टी का सही जवाब क्या हो जाएगा वो हो जाएगा ए चले अगला क्वेश्चन देखते हैं नॉन मुस्लिम्स हैड टू पे अ रिलीजियस टैक्स कॉल्ड डैश तो अगर कोई एक पर्टिकुलर जगह है जहां पर कोई मुस्लिम रूलर रूल कर रहा है और वहां पे कोई नॉन मुस्लिम्स अगर रहते हैं तो उनको एक रिलीजियस टैक्स देना पड़ेगा उस रिलीजियस टैक्स का क्या नाम है आपको ये बताना है ऑप्शन दे रखे हैं जक़ात शुकराना जाजिया एंड नन ऑफ दीज तो इसका जवाब क्या हो जाएगा इसका जवाब हो जाएगा जाजिया क्वेश्चन नंबर का सही है, C, जाजिया। अगला देखते हैं। वर्षिप? से कौन सा चिश्ती पार्ट था जो हम लोगों ने चिश्ती सूफी संतों के बारे में बातचीत कर रखी थी तो इनमें से क्या जो है वो चिश्ती वर्शिप जो आपके चिश्ती सूफी संतों ने अपने खुद के खानकुआ बनाए थे और वहां पे वो जो भी अपनी अः आपकी इबादत वगैरह करते रहते थे तो उसमें कौन सी चीज़ जो है वो उनकी इबादत का इंटीग्रल पार्ट थी जब आपके ऑप्शन दे रखे हैं डांस म्यूजिक, कवाली और चौथा है ऑल ऑफ दीज तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑल ऑफ दीज बेसिकली चिश्ती संत जो थे उन्होंने अपने खानकुआ वगैरह बनाए फिर वहां पे पहले पहल तो सिर्फ म्यूजिक होता था फिर बाद में आपके आ, कवाली वगैरह होने लगी म्यूजिक का एक खास तरीके का प्रकार बना फिर वक़्त के साथ में वो लोग डांस भी करने लगे और एकदम ट्रांस की स्टेट में चले जाते थे तो ये ऑल ऑफ दिस इज गोइंग टू बी द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर थर्टी का सही जवाब क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्टी का सही जवाब हो जाएगा डी अगला देखते हैं हु कंपाइल्ड आदि ग्रंथ अब ये भी मैंने आपको बताया था कि आदि ग्रंथ जो है उसमें और आपके जो गुरु ग्रंथ साहिब में इसमें थोड़ा सा फर्क है तो अगर आपसे मैं बोलूं कि आदि ग्रंथ साहिब तो वो एक अलग चीज़ हो जाती है और गुरु ग्रंथ साहिब तो वे एक अलग चीज़ हो जाती है अब यहाँ पे सवाल में आपसे ये नहीं पूछा गया कि गुरु ग्रंथ साहिब किसने कंपाइल की थी यहाँ पर सवाल में ये पूछा गया है आदि ग्रंथ किसने कंपाइल करी है इसका जवाब हो जाएगा गुरु अर्जन देव जी ने गुरु अर्जन देव जी ने गुरु नानक और उनसे लेके जो भी आपके चौथे गुरु तक की कहानी तक जो भी आपके कम्पाइलेशन वगैरह थे उन्होंने जो भी बातें कही थी प्लस जो भी दूसरे आपके संत वगैरह थे सबको लेकर जो है आदि ग्रंथ साहिब जो है उसका कंपाइलेशन वगैरह किया था और उसके बाद में दसवें गुरु जो जो थे आपके गुरु गोविंद सिंह उन्होंने फिर उसमें जो नवे गुरु थे गुरु तेग बहादुर उनकी और बाकी कुछ लोगों की टीचिंग्स वगैरह को मिला दिया आदि ग्रंथ साहिब में तो उसके बाद से फिर वो आपके जो कहलाते हैं वो कहलाते हैं गुरु ग्रंथ साहिब चले अगला देखता है चूज द करेक्ट ऑप्शन इस्लामिक लॉ इज नोन एज अब हमको ये बताना है कि इस्लामिक लॉ को किस नाम से जाना जाता है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा शरिया के नाम से उसको जाना जाता है इस्लामिक लॉ को शरिया के नाम से जाना जाता है तो थर्टी का सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन अगला देखते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन अलवर्स एंड नैनार्स वेर द भक्त ऑफ ये भी मैंने आपको बताया था कि सिक्स सेंचुरी एरा के आसपास अलवर्स और नैनार्स ने पूरा का पूरा भक्ति मूवमेंट तमिलनाडु में खड़ा किया था उसका सही जवाब क्या हो जाएगा थर्टी फिफ्थ का सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन दैट इज तमिलनाडु अगला देखते हैं विठला वॉज द प्रिंसिपल डेटी इन विठला टेम्पल विठला वॉज नोन एज इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड अब आपको यहाँ पे ये यह पूछा गया है कि विठ्ठल टेम्पल में भगवान विट्ठल जो है वो प्रिंसिपल डेटी हैं यानी कि विट्ठल टेम्पल में ईश्वर के तौर पर जिनकी पूजा की जाती है उनको भगवान विट्ठल बोला जाता है भगवान विट्ठल जो थे ये किसका अवतार माने गए अब हमको ये बताना है कौन से हमारे जो प्रमुख देवता है उसका अवतार भगवान विट्ठल को माना गया जवाब है विष्णु इसको याद रखिएगा महाराष्ट्र में विठल जो है विष्णु के लिए बहुत कॉमन नेम है तो कई बार आपको थर्टी सिक्स का, तो का सही जवाब हो जाएगा बी विष्णु थर्टी सेवन देख लेते हैं कंसिडर रिगार्डिंग कबीर अब हमको इसमें कबीर के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं अब हमको ये बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है पहले हम लोग स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं वर्सेज ऑफ कबीर आर कंबाइंड इन थ्री डिस्टिंग ट्रेडिशंस पहला स्टेटमेंट दूसरा कबीर्स पोएम्स आर अवेलेबल ओनली इन उर्दू लैंग्वेज दूसरा तीसरा कबीर यूज मेरी ट्रेडिशन टू डिस्क्राइब द अल्टीमेट रियालिटी तीसरा स्टेटमेंट और चौथा है कबीर कॉल्ड अल्टीमेट रियालिटी ओनली एज अल्लाह कबीर ने अल्टीमेट रियालिटी को सिर्फ अल्लाह बोला है अब हमको बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है so, अब इस तरीके के क्वेश्चंस में आ, सवाल में पूछा यह गया है कि विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट अब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है तो सबसे पहले आप इसको इस वो पकड़ लीजिए कि कि जो आपको कंफर्म पता है कि गलत है गलत हमने कबीर के बारे में जब बात की थी तो हमको पता चला था कि कबीर ने अपनी जो भी बातें लिखी हैं अपने जो भी संकलन लिखे हैं इनको कई सारे संप्रदाय जो हैं उन्होंने संकलित करके रखा हुआ है और ये कई सारी भाषाओं में आपको देखने के लिए मिलते हैं इसमें उलट बंसी का इस्तेमाल किया गया है इसमें संत भाषा का इस्तेमाल किया गया ब्रंश का इस्तेमाल किया गया है इसको खड़ी बोली में लिखा गया है इसको उर्दू में लिखा गया है

सी और डी वैसे भी गलत हो गए अब अगर आपको इसके आगे बिल्कुल भी नहीं पता इच, बचे हुए तीन स्टेटमेंट्स का कोई अंदाजा नहीं है तो भी आप अपना काम कर सकते हो इसलिए कर सकते हो अब तो अब आप जो है रिस्क ले सकते हो तुक्का लगा सकते हो क्योंकि अब सही और गलत होने की प्रोबेबिलिटी पचास पचास परसेंट है सी और डी ऑप्शन कट कर अलग हो गया अब एक आ, सही हो सकता है इसकी संभावना भी वन पॉइंट टू है या फिर फिफ्टी परसेंट है और बी सही हो सकता है इसकी प्रोबेबिलिटी भी फिफ्टी परसेंट है तो कम अज कम अब आप तुक्का लगाने की स्थिति में आ गए हो बाकी फिर आपकी किस्मत है कि सही हो गया गलत गलत होगा उन लोगों के के लिए जिनको एक स्टेटमेंट आगे आगे बिल्कुल इसके बारे में अंदाजा नहीं है 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 अब हम लोग देखते हैं कबीर अल्टीमेट ओनली अल्लाह बात भी गलत है। उन्होंने कई सारे शब्दों का इस्तेमाल जो है किया था और तीसरा की ये बात सच है। तो इस से क्योंकि, तो right तो क्योंकि हमको इनकरेक्ट पकड़ना था तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन का क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन का सही जवाब हो जाएगा बी तो करेक्ट आंसर क्या है थर्टी सेवन का बी अगला देख लेता हु इज उलेमा अब आपको यह बताना है कि उलेमा कौन है डिवोटी ऑफ शिवा डिवोटी ऑफ विष्णु, मुस्लिम सूफी सेंट एंड स्कॉलर्स ऑफ इस्लामिक स्टडी इसका जवाब हो जाएगा इस्लामिक स्टडीज के स्कॉलर्स वगैरह जो इस्लाम वगैरह को पढ़ाते हैं या फिर उनका जिनके पास में नॉलेज वगैरह है पूरा जो भी उनका शरिया चलता है और जो भी उनका सिस्टम वगैरह है और जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि अगर कहीं पर कोई मुस्लिम रूलर है तो आप इंश्योर करें कि वो जो है शरिया के अनुसार पूरा का पूरा अपना रूल चला रहा हो और गाइड करें उसको कि किस तरीके से करना है तो वो सारा काम करने की जिम्मेदारी वलीमाओं की होती है थर्टी एट का सही जवाब क्या हो जाएगा थर्टी एट का सही जवाब हो जाएगा डी चलें अगला देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग करैक्कल अमैयार तो ऑप्शंस को एक बार देख लेते हैं शी वॉज अ डिवोटी ऑफ शिवा हम लोगों ने करियक्कल अमैयर के बारे में बात करी थी ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भक्ति मोमेंट में एक महिला संत के तौर पर जो है उस वक्त आपको देखने को मिलती हैं तो ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है उस वक्त क्योंकि सोसाइटी बहुत पेट्रियार्कल हुआ करती थी और यहां पर आपको एक महिला संत जो है वो देखने को मिल रही है जो काफी ज्यादा फेमस हुई है तो इट्स एन इंटरेस्टिंग फैक्ट इसलिए करियक्कल अम्बैर जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं शी वॉज अ डिवोटी ऑफ शिवा ये बात सच है शी वॉज शी अडोप्टेड द पाथ ऑफ एक्सट्रीम एसेटिज्म ये बात भी सच है तीसरा हर कंपोजिशन विद इन दी अलवर्ड ट्रेडिशन ये बात गलत है ये इसलिए गलत है क्योंकि करियक्कल अम्बयर जो है वो एक डिवोटेड भगवान शिव की भक्त हैं और शिव के भक्तों को जो है उस वक्त में कहा जाता था नैनार्स और अलवर्स कौन होते थे अलवर्स होते थे जो भगवान विष्णु की भक्ति करते हैं तो यह वाला स्टेटमेंट गलत है या फिर कम अज कम इनके कम में आपको उनके खिलाफ जो है, काफी सारी देखने को मिलती है तो क्योंकि हमको जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है इसलिए क्वेश्चन नंबर थर्टी का जो सही जवाब है वो हो जाएगा सी क्वेश्चन नंबर थर्टी का सही जवाब क्या हो जाएगा इट क्विंग टू बी द ऑप्शन नंबर सी चले अगला देखते हैं जनगामा जन और वेंडरिंग मॉन्ग्स बिलोंग टू विच कम्युनिटी अब अपने को यह बताना है कि जो जंग गा या फिर जिनको हम लोग एक से दूसरी जगह भटकने वाले जो आपके संत भी कह सकते हैं ये कौन सी कम्युनिटी को बिलोंग करते थे इसका जवाब क्या हो जाएगा लिंगायत को बिलोंग करते थे लिंगायत कम्युनिटी के वो संत वगैरह जो एक जगह नहीं टिकते थे एक से दूसरी जगह दूसरे से तीसरी जगह मूव करते रहते थे जिनको जंगामा कहा जाता था ये लिंगायत कम्युनिटी से बिलोंग करते थे तो क्वेश्चन नंबर का सही जवाब हो जाएगा बी अगला देख लेते हैं विच जनरल टर्म वॉज यूज टू रिफर माइग्रेंट कम्युनिटीज माइग्रेंट कम्युनिटीज जितनी भी आपके देश में आ रही थी बाहर से इनको रिफर करने के लिए जनरल टर्म कौन सा इस्तेमाल किया जाता था ऑप्शन है शाकाज दूसरा यवनाज तीसरा तर्क एंड चौथा मलेच तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन दैट इज मलेच

इसके ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं अचेद डिसाइपल, तीसरा है डिवोशन और चौथा है विदाउट एट्रीब्यूट्स इसका जवाब हो जाएगा अचेन बेसिकली कोई एक सूफी संत है उसने अपना एक कोई सिलसिला शुरू किया तो उसके जो फॉलोअर्स वगैरह हैं फिर वो उसकी बात को आगे बढ़ाते हैं लेट्स से सूफी संत के तीन फॉलोअर्स हुए अब तीन फॉलोअर्स ने अपने और तीन फॉलोअर्स किए और इन्होंने वही चीजें अपने सारे फॉलोअर्स को पढ़ाई जो इनके मेन सूफी संत ने पढ़ाई थी अब इन्होंने फिर अपनी इसी तरीके से जो है अपने बाद के फॉलोअर्स को सारी चीजें पढ़ाई तो एक बेसिकली चेन बनती हुई चली जाएगी इसको क्या बोला जाता था इसको बोला जाता था सूफी सिलसिला जैसे चिश्ती एक सूफी सिलसिला है नक्शबंदी एक सूफी सूफी सिल, सिलसिला है इसी तरीके से जो अवैस होता है वो एक सूफी सिलसिला है तो अलग अलग आपके सूफी सिलसिले आपको देखने के लिए मिलते थे इसका सही जवाब हो जाएगा चेन तो 42 का सही जवाब क्या है फी सिलसिलों में फोर्टी टू का सही जवाब है चेन अगला देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस इन चिश्ती खानकुआ रिप्रेजेंट अटेम्प्ट टू एसिमुलेट लोकल ट्रेडिशंस हमको कुछ ऑप्शंस वगैरह दिए गए हैं जिसमें हमको ये पता चलेगा कि इनमें से कौन 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 सी प्रैक्टिस हैं सूफी खानकवा में होती थी हमको ये बताना इनमें से वो कौन सी प्रैक्टिसेस हैं जो बेसिकली ये इंडिकेट कर रही हैं कि ये जो खानकवा हैं ये लोकल ट्रेडिशंस वगैरह को एसिमुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं थोड़ा सा हम लोग इसको समझते हैं सूफी संत बाहर से आए थे बाहर से आके उन्होंने यहाँ पर अपने हॉस्ट वगैरह या फिर अपनी खानकवा खानकुआ जो हैं उनको स्टेब्लिश किया अब यहाँ पर वो अपने हिसाब से जो अपना रिलीजन

बोइंग बिफोर द शेख यानी कि जब आप आओगे खानकुआ में तो आपको शेख के आगे जो है सर झुकाना है पहला ऑफरिंग water टू the visitors जितने भी आपके लोग वगैरह आ रहे हैं सबको पानी पूछना तीसरा शेविंग द हेड ऑफ द इनिशियट इसका मतलब है कि जो भी शेख का मुरीद बनेगा या स्टूडेंट बनेगा तो उसको अपना सर मुंडाना पड़ेगा और जब तक वो प्रैक्टिस करेगा वहां पर वो आपका स्टूडेंट बनकर रहेगा तब तक वो बाल नहीं रख सकता और चौथा है योगिक एक्सरसाइजेस योग में जो भी आपकी एक्सरसाइजेस वगैरह है वो सारी की सारी की जाएंगी तो बेसिकली ये सारी की सारी एक्टिविटीज जो हैं ये एक इंडिकेशन है कि सूफी संतों के जो खानकुआहा थे वहां पर लोकल ट्रेडिशंस को अपनाने की पूरी कोशिश की जा रही थी बोइंग बिफोर द शेख एग्जैक्टली उसी तरह से था जैसे आप मंदिर में जाते हो तो ईश्वर के सामने सर झुकाते हो दूसरा आप सबसे पानी पूछते हो ये एक प्रथा हिंदुस्तान में रही है तो उसको एक्सेप्ट उसको भी जो है आपने शामिल किया है हमारे यहाँ भी जब कोई संन्यास वगैरह लेता है तो वो अपना सर मुंडा लेता है उसी प्रैक्टिस को आपने भी अपना लिया और योग वगैरह की जो है आपने क्रियाएं शुरू करवा दी तो सारी की सारी एक्टिविटीज़ बेसिकली ये इंडिकेशन है, सारी सारी है कि आप लोकल ट्रेडिशंस को अपनाने की कोशिश कर रहे थे आप अपने आप को एसिमिलेट करने की कोशिश कर रहे थे तो क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अगला देख लेते हैं फोर्टी प्रेम आख्यान पदमावत अब इनमें से किसने जो है पद्मावत की रचना की थी आसान सवाल है क्योंकि पद्मावती जो मूवी आई है उसके ऊपर काफी कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी उसमें भी इनका नाम बार बार निकल कर आया था इनका जवाब इसका जवाब है मलिक मोहम्मद जायसी मलिक मोहम्मद जायसी ने जो है ये आ, आ, आपका कंपोजिशन लिखा है अब कई लोग बोलते हैं कि एक उनकी कपोल कल्पना है कई लोग बोलते हैं कि इसमें कुछ सच्चाई का एलिमेंट है कई लोग बोलते हैं कि काफी हद तक सच्चाई है उस सब में हम नहीं जाते हम कुछ कह नहीं सकते इस बारे में मगर मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत के नाम से कंपोजिशन लिखा था जिसमें राजा रतन सिंह रतन सेन और उनकी जो रानी थी पद्मिनी उनकी प्रेम कथा को डिस्क्राइब किया गया था अगला देखता विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग संत कबीर इज इनकरेक्ट अब हमको ये बताना है कि संत कबीर के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है कबीर यूज द टर्म ड्रॉन फ्रॉम वेदांतिक ट्रेडिशंस पहला कबीर डिस्क्राइब्ड अल्टीमेट रियालिटी इज अल्लाह खुदा हजरत एन पीर तीसरा है मैनी ऑफ कंपोजिशंस आर फाउंड इन आदि ग्रंथ साहिब एंड चौथा है वर्सेज एट्रीब्यूटेड टू कबीर मैंशन द नेम ऑफ हिस टीचर रामानंद इसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्योंकि कबीर की वर्सेस में ऐसा उनके टीचर का जिक्र नहीं आता लोग ये मानते हैं कि रामानंद उनके टीचर हैं मगर ऐसा सच कहीं पर आपको जिक्र देखने के लिए नहीं मिलता बाकी स्टेटमेंट तो सही है कि उन्होंने वेदांतिक ट्रेडिशंस वगैरह से जो हैं चीज़ें डिराइव करी थी उन्होंने ये शब्दों का इस्तेमाल भी अल्टीमेट रियालिटी के लिए किया है उनके काफी सारे कंपोजिशन आपको आदि ग्रंथ साहिब में देखने के लिए मिलते हैं ये बात भी सच है मगर उनके टीचर का नाम रामानंद है इसके लगाए जाते हैं ऐसा है उन्होंने अपने तरफ से जो है, कहीं पे एट्रीब्यूट वगैरह नहीं किया टीचर के लिए जिनका नाम रामानंद वगैरह था तो का सही जवाब क्या हो जाएगा फोर्टी का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अगला देखता है बाबा गुरु नानक। अब हमको ये बताना है कि बाबा गुरु नानक के बारे में इनमें से कौन सी बात सही नहीं है पहला गुरु नानक एडवोकेटेड अ फॉर्म ऑफ निर्गुण भक्ति बाबा नानक ने निर्गुण भक्ति का एक फॉर्म जो है उसको प्रोपोगेट किया था या एडवोकेट किया था पहला गुरु नानक ऑर्गेनाइज फॉलोअर्स इन टू कम्युनिटी तीसरा ही रिजेक्टेड सेक्रीफाइजेस रिचुअल बात इमेज वर्शिप ऑस्टेरिटीज एंड द एंड्रिप्चर्स ऑफ बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम चौथा गुरु नानक अपॉइंटेड वन ऑफ इज डिसाइपल अर्जन टू सक्सीड हिम एस परसेप्टर अब हमको ये बताना है इनमें से कौन सा जो है वो सच है या कौन, आ, कौन सा जो है स्टेटमेंट गलत है इसका जवाब हो जाएगा डी गुरु नानक ने अर्जुन जो थे उनको अपने सक्सेसर के तौर पर अपॉइंट नहीं किया था अंगद को किया था गुरु जो अंगद थे वो आपके इनके सक्सेसर बने थे अर्जन देव बाद में आए थे बाकी सारे जो पॉइंट हैं वो सही हैं कि इन्होंने निर्गुण भक्ति जो है उसको एडवोकेट किया था ये बात सच है क्योंकि ये बोलते थे कि ईश्वर जो है फॉर्मलेस है और आपको फॉर्मलेस ईश्वर की जो है आराधना करनी चाहिए जिसके लिए फिर एक नाम भी दिया था जो नाम था वाहिगुरु अगला है बाबा नाना आ, बाबा गुरु नानक ऑर्गेनाइज फॉलोअर्स इन टूर कम्युनिटी ये बात भी सच है उस कम्युनिटी को संगत बोला जाता था आज तक संगत बोला जाता है तीसरा इन्होंने ये बात भी ये रिचुअल बात इमेज वर्चिप सारी चीजें जो हैं इसको मानने से मना कर दिया था हिंदूज एंड मुस्लिम्स के, ग्रंथ वगैरह जो इनको भी मानने से मना किया था मगर अपना जो डिसाइपल्स की बात की जाती है तो अपने बाद जो नेक्स्ट गुरु है वो उन्होंने गुरु अंगद देव जी को बनाया था गुरु अर्जन देव बाद में आए थे तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा फोर्टी का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चले अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 फाइंड आउट फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स विच वन इज करेक्टली मैच्ड अब हमको ये बताना है स्पेयर में करेक्टली मैचिंग किसकी की गई है पहला ऑप्शन है देग फूड दूसरा है खान का पिलग्रिमेश तीसरा है फुतुह चैरिटी और चौथा है मुरीद मास्टर इसका सही जवाब है फुतू या फिर चैरिटी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो आपके सूफी संत हैं उनके दरगाहों पर लंगर चलते थे और ये लंगर में कोई भी आके खाना खा सकता था फ्री ऑफ कॉस्ट उसके लिए पैसे नहीं लिए जाते थे और ये फतूह पर चलता था चैरिटी पर चलता था तो बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं देख आ, का मतलब फूड नहीं होता खान खानकहा पिलग्रिमेज नहीं होती है मुरीद का मतलब मास्टर नहीं होता है तो इसका जो फतूह है चैरिटी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 47 का सही जवाब जो है 47 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी अगला देखते हैं अगला आता है हु कंपोज कीर्तन घोषा तो कीर्तन घोष की रचना किसने करी इसका सही जवाब है ए शंकर देव ये आपको याद रखना पड़ेगा कीर्तन घोष काफी फेमस कंपोजिशन है और इसकी रचना शंकर देव साहब ने की थी तो ये 48 का सही जवाब क्या हो जाएगा 48 का सही जवाब हो जाएगा ए अगला देख लेते हैं शेख निजामुद्दीन हॉस्पाइस कंप्राइज सेवरल स्मॉल रूम्स एंड अ बिग हॉल नोन एज शेख निजामुद्दीन का जो हॉस्पाइज है, जिस, है जिसको या फिर धर्मशाला बोलते हैं जिसको हम लोग हिंदी में या फिर खानकुआहा बोलते हैं ये लोग तो खानकुआ जो है या हॉस्पाइज जो है शेख निजामुद्दीन की उसमें कई सारे छोटे रूम थे और एक बड़ा हॉल था इस बड़े हॉल को किस नाम से जाना जाता था इसका जवाब हो जाएगा जमात खाना जमात खाने में फिर जितने भी आपके बाहर के लोग आ रहे हैं और जो आपके निजामुद्दीन की जो आपकी हॉस्पाइज या फिर खानकुआ के रहने, रहने वाले लोग हैं सब एक साथ बैठ जो है इबादत वगैरह किया करते थे तो फॉर टी नाइन्थ का जो सही जवाब है वो हो जाएगा ए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नाम घर रिफर्स टू अब यहाँ पर नाम घर का जिक्र आया है कि नाम घर किस चीज को रेफर करता है यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था नाम घर का जिक्र जो है असम से रिलेटेड के मूवमेंट वगैरह में आया था इसका जवाब हो जाएगा प्रेयर हॉल नाम घर प्रेयर हॉल्स को बोला जाता है तो क्वेश्चन नंबर का सही जवाब यह हो गया सो विद दिस वी कम टू द सेशन आज के सेशन में हम लोगों ने भक्ति एंड सूफी जो ट्रेडिशन है या भक्ति एंड सूफी मूवमेंट जो है हमारा चैप्टर नंबर सिक्स आप कह लीजिए या फिर हिस्ट्री की दूसरी किताब का सेकेंड uh, चैप्टर कह लें या सिक्स थीम कह लीजिए जो भी कह लें आप इसके हम लोगों ने पचास सवाल लगाए हैं हम लोगों ने देखा है कि किस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पे बन सकते हैं किस तरीके के सवाल यहाँ से पूछे जा सकते हैं क्या आपको पढ़ना है किन चीज़ों पर ज़्यादा इंफोसिस देना है सारी चीज़ें हम लोगों ने कर कर आज के इस सेशन में ख़त्म करी हैं तो मैक्सिमम uh, क्वेश्चंस अगर आपसे बन रहे हैं इसका मतलब आप अच्छे स्थिति में हैं आज की तारीख में अगर आप इस चैप्टर में से मैक्सिमम क्वेश्चंस लगा पा रहे हैं थोड़ा सा मुश्किल चैप्टर है मैं समझ सकता हूँ बट अगर आप थर्टी थर्टी की रेंज में हैं थर्टी फाइव अगर आप मिनिमम सही कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आपकी प्रपरेशन ठीक चल रही है और अगर नहीं तो फिर आपको थोड़ा और बकअप करने की ज़रूरत है थोड़ा और ज़्यादा आपको एफर्ट्स मारने की जरूरत है नेक्स्ट जो हमारा सेशन रहेगा जिसमें हम लोग एमसीक्यूज करेंगे जिसको हम पूरा डिटेल में पढ़कर कर, पढ़ खत्म किया था उसके ऊपर सॉल्व पूरे पूरे करेंगे तो वो सेशन देखने के पहले वो एक दो दिनों में वो सेशन भी जो है वो आपका अपलोड होगा उसके पहले पहले आप लोगों ने करना यह है कि विजयनगर नगर के सारे लेक्चर्स आप लोगों ने देख लेने जिन लोगों ने देख लिए हैं उन लोगों को तो खैर जरूरत नहीं पड़ेगी मगर जिन्होंने नहीं देखे हैं कम अज़ कम वो लोग एक बार आप उनको देख लें इसके बाद अगर आप जो नेक्स्ट सेशन रहेगा उसको अटैम्प्ट करेंगे तो ज़्यादा आप अंडरस्टैंडिंग आपकी ठीक रहेगी ज़्यादा अच्छे से आप समझ पाएंगे अब वो बच्चे जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया है उनके लिए मैं फिर कह रहा हूँ एक बार आप जाके भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशन अगर पूरा नहीं पढ़ रहे हैं तो कम अज़ कम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं उसके अलवर्स एंड नैनार्स हो गए वीर शहवास के ट्रेडिशन हो गए या सूफी मूवमेंट को जो मैंने एक डेढ़ लेक्चर में आपका पूरा डिटेल में बताया इतने इतना चीज़ें कम अज़ आप देख लें यही बात दूसरे लेक्चर्स के लिए भी है कि अगर पूरे पूरे आपके पास देखने का वक्त नहीं है तो कम अज कम इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट हैं आप उनके देखते चलें उससे आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी हर एक वीडियो में नीचे की तरफ दिया रहता है कि आपका कौन से जो टाइम पीरियड है या कौन सा स्लॉट पे कौन सा टॉपिक शुरू हो रहा है तो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कम से कम आप उसमें से ही देख लें उससे आपका काफी ज्यादा फायदा होगा आप अच्छे से जो है एग्जाम में परफॉर्म कर पाएंगे सो ऑन दिस नोट आई वुड बी कॉलिंग इट द डे एंड कंक्लूडिंग द लेक्चर खत्म करने के पहले मैग्नेट की हमारी वेबसाइट पर आप यहां पर आप जाइए आपको सारा का सारा एजुकेशन क्लास वन से लेकर क्लास ट्वेल्थ तक हर सब्जेक्ट का फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाता है जिस भी क्लास के ऊपर आप क्लिक करेंगे क्लास ट्वेल्थ पे जैसे आपने क्लिक किया तो आपको उसके सारे के सारे कोर्सेज निकल कर आ जाएंगे जो भी कोर्स है आपका आप उसको फिर अट, जो भी पढ़ना चाहते हैं उसको आप शुरू कर सकते हैं बिना किसी व्यावधान के बिना किसी परेशानी के अच्छे से आप अपने कोर्स को ख़त्म कर सकते हैं सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस किया गया है एक एक चीज़ को जो है बहुत इलाबोरेटली पढ़ाया गया है तो इससे आप बहुत अच्छे से नॉलेज गेन कर पाएंगे ना सिर्फ आप अपने एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे सब्जेक्ट के प्रति भी आपके मन में एक इंटरेस्ट डेवलप होगा और उसके बाद फिर हो सकता है आप उसे फर्दर स्टडी करें उसी में आप अपने आगे करियर बनाएं तो कहीं ना कहीं एक इम्पैक्टफुल जो है आ, जो निर्णय होते हैं जिंदगी में उसमें ये पर्टिकुलर वेबसाइट और इस पर जो हमारा कंटेंट है वो एक बड़ा योगदान कर सकता है चलें ध्यान रखें अपना पॉजिटिव रहें पढ़ते रहें थैंक यू एंड जय हिंद